रुक गया याद करने दो, अटक जाते अब लोग याद सर याद दोहरा लो, दोहरा लो अपने जिंदगी को। अटकना गया इसमें कौन से शेर फेंगे, कैसे शेर फेंगे जबरदस्त मेरे ऊपर? नहीं ऐसे मैं आपके ऊपर तो खतरनाक मार दूंगा। आन दो आन दो आन दो, खर्चा करना हमने पूरा तो ज्यादा ही ना हो जाए। नहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे यहाँ समझदार लोग हैं, गरीब लोगों में भर्ती नहीं गया। समझ आते होंगे राजा, हम दोनों भी आ जाते हैं। अरे अरे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे वो बना देते हैं ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं 11th क्लास की, शेर तो मार देंगे। इंसान ना इंसान ही रहता है, ऐसे ऐसे करना मत भूलना। पता क्या है, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। क्या बन जाता है जान? कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। सोच लो एक शेर में कह रहा हूँ सुना दो, सुन रहे शेर नहीं सुना रहे तो शेर सुना दो है। और कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत। अलार्म लगा लिया करो, सब ध्यान रहेगा। अलार्म लगा लिया करो, सब ध्यान रहेगा। क्या बात है, ये तो मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है, ये भैया। क्या बात है, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। पढ़ाई कर, जाके पढ़ाई कर, खाली घूम रहे। और पता क्या है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें। क्या बात, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें, कोई मेरी तरह ताउम्र सफर में रहा। ओए सफर ही तो चाहिए लोगों को, ये जबरदस्त है। मेरी मेरे पर आपने सही मेरे पे सुना दिया, देख लो मैं भी आज भी सफर में ही हूँ, इधर उधर भटक के जरा हाल तक सफर में सफर में ही हूँ मैं भी। ट्रैवलिंग ये ना शेर ऑटो वालों के ऊपर है वैसे। सारी उम्र सफर में, सारी उम्र सफर में है ये बात भी। और बताओ, एक और आन दो, एक और आन दो सफर वाला, एक और आन दो। अब मंजिल पे पहुंचा दो, मंजिल पे पहुंचा दो, पहुंचा दो, फोन तो आते रहेंगे। कौन सी बेवफा वाली? बच्चों को भी याद है, इसको भी याद है। कौन सी थी वो, मैं तो भूल गया। वो वाली क्या था कि अब तुम मिल गए तो फिर मिलने का काम। हाँ हाँ, वो तो बढ़िया ही है। पर वो यार वो थोड़ा कल जल लग में चला। हाँ ना पनीर वो सुना दो ना फिर। अंगार वाली कौन सी है वो जो पर हमको सुनाई थी? हवा में भी अंगार जब में जलने लगे, फूल में से भी पत्थर खिलने लगे। इसको बड़ी याद है। ये ठीक है कि तुम ना बदलो, ठीक है जी, लेकिन जमाना बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। लाइव करना डिजिटल। ये ठीक है कि तुम ना बदलो, लेकिन जमाना बदल रहा है, ठीक है, फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। भाई ऐसे कैसे, जमाना बदल नहीं रहा, ज्यादा ही बदल गया, डिजिटल हो गया। ये डिजिटल केस में ऐसा होता है। चलो बढ़िया, देखो वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। आने दो फिर, कब्जा पा लेंगे, टेंशन नहीं है। इंडिया वाले वैसे कब्जा के लिए तैयार रहते हैं। और बताओ क्या कर रहे हो आप, ये यार वीडियो बना रहे हो, ऐसे नकली वीडियो बना रहे हो, नकली? हाँ वायरल। अच्छा इसको आप वो कर दोगे, एडिट उडिट कर दोगे, वायरल कर देंगे आपको। वायरल मेरे को वैसे वायरल है, मेरे को सर्दी जुकाम वाला वायरल है, इनको वैसे वायरल कर देंगे आप। मेरा ना हाँ, मुझे ना कभी कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भी है। कौन सी मूवी आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया? दिख तो कोई भी सकता है। नहीं देखो जी, अभी नहीं ऐसे पैदा हो जाओ, मैं खरीद ले, ठीक है, दिल से जो मर्जी कर ले। नहीं ये तो ठीक है बात, खरीद ले। देखो ये तो लोगों को पता है, ये इसी बात का तो रोना है, एटीट्यूड रखता है लड़का। हमारी जितने प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल मैडम्स हैं, ठीक है, दिल के आरजू, उनको ये रहता है, कंट्रोल में नहीं है, जिद्दी है, ठीक है ना, उनको लगता है झुक जाएगा, टूट जाएगा। ये फौलाद है, इधर से नहीं। अरे देखो सच्चाई कैसे निकलती है वीडियो में, भाई बात तो यही है, ऐसे नहीं। अगर एटीट्यूड देखना हो ना तो दरिया में कूदा करो, यूं किनारे पे उकड़ू बैठकर अंदाजे तूफान नहीं होता। ओए अरे देख लो भाई, अब आ रहे धीरे धीरे, आग आ रहा, आग निकल रहा है, तूफान भी आएगा, तो बारी बैठे, बारिश भी आएगी। नहीं ठीक है, सबके साथ प्रेम भाव है, प्यार है, अच्छी बात है। हाँ वो तो है, वो शुरू से है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं अब से, मतलब स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जब खुद से स्टैंड इंसान करता है ना, उसको पता होता है, बस बहुत कुछ फेस करा हुआ है, देखा हुआ है, तो फिर वो तराजू
एक बार पता क्या हुआ, एक बार ना हंसराज कॉलेज में ना शाहरुख खान पढ़ते होते थे पहले से ही, तो हंसराज कॉलेज के ना कुछ बच्चे फेस्ट के लिए शाहरुख खान के पास पहुंच गए 10-12 हजार का किराया लगा के। अच्छा। कि भाई शाहरुख खान के पास जाएंगे तो मतलब पैसे भी अच्छे देगा वो, मतलब उससे डिमांड कर देंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई हम फेस्ट करा रहे हैं हंसराज कॉलेज में, तो मतलब 2-3 लाख रुपए तो दे ही देगा वो कम से कम। तो शाहरुख खान ने ना तो सब चीजें देखी हुई थी, वो तो बिल्कुल बेसिक से ऊपर गया हुआ है ना, तो जो बेसिक से ऊपर जाते हैं उनको पता होता है सारी चीजों का कि कहाँ पे कौन हमारी हेल्प करता है नहीं करता, सारे धक्के खाए होते हैं उन्होंने। तो वो गए 11-12 हजार रुपए लगा के, शाहरुख खान ने उनकी 5100 की पर्ची काट के दे दी उनको कि लो 5100 रुपए, किराया भी पूरा नहीं हुआ। तो बड़े आदमी नहीं मार खाते ऐसे, जिन्होंने सब कुछ जो घिस पिट के ऊपर गए हैं ना वो नहीं मार खाते, क्योंकि ना ये कहते भी हैं कि रातों रात मिली शोहरत इंसान को मशहूर तो कर सकती है पर मजबूत नहीं कर सकती। कामयाबी ना बड़े तकलीफ के साथ मिले वो सही है, और फ्री में मिल जाए वो ठीक नहीं है। पे पीछे पे हो, पे पे होना चाहिए आपका, पीछे आपने कुछ पे किया है नहीं किया है, बस बस ये देखो पे कर रहे, ऐसे पे मत कर, ठीक है ना। हां तो जा भाई आगे पढ़ के दिखा, ये कामयाब हो गया वैसे मेरे पास मैथ नहीं है, अजब क्या कर लिया पता क्या होता है मैथ्स चलाने के लिए ना गुर्दा चाहिए, गुर्दा गुर्दा है चल गया था टाइम टाइम के बाद उठती है ना।